नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन दौसा में। जैसा कि सबने आपको बताया कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो सभी क्लासें हैं वो क्या है, स्थगित कर दी गई हैं। आपका बैच जो स्टार्ट होने जा रहा था 20 मार्च को, वो अब 14 अप्रैल के बाद, मतलब लगभग 21 दिन 22 दिन बाद आपका बैच का अनाउंसमेंट हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके पास मैसेज भी है, वो भी अपडेट हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दे दी जाएगी इस बारे में। अब आपके सामने ये जो टाइम है 22-23 दिन का, ये जो टाइम मैनेज करना है वो इस तरीके से मैनेज करना है, बैठे नहीं रहना अपन को। यदि आप बैठे रहोगे इस टाइम पे तो एक बात फैक्ट है कि 21 दिन 22 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लिए, आपकी पढ़ाई पे प्रिपरेशन करने के लिए, आपको बहुत ही कुछ अलग करने के लिए। क्योंकि अब आपने यदि 21 दिन दिए यहाँ पे, तो शायद आप हो सकता है कि उन बच्चों से 21 दिन एक्स्ट्रा हो जाओगे जो बच्चे 21 दिन 22 दिन बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सब लैंग्वेज पूरी फिट हो जाएगी कि हाँ अब हमको इस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन 21-22 दिन बाद यदि आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए। इसलिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी पढ़ाई को समय दीजिए आज से ही। तो सर ने जैसे कि बता दिया आपको जेट आईसीआर बीएचयू आफ्टर 12th, 12वीं के बाद में आपको 3 एग्जाम देनी होती है, जेट बीएचयू आईसीआर, और भी एग्जाम लगती है, कैट की लगती है, सीओट्स की लगती है, बहुत सारे एग्जाम है। लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए केवल 3 एग्जाम है, जेट बीएचयू और आईसीएआर, ये तीनों एग्जाम है जो आपको देनी होती है 12वीं के बाद में। दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट में देख लेता हूं। थोड़ा आपको कम दिख रहा है तो हमने इंक डाल ली है पेन में, अब आपको अच्छा दिखेगा। आपको 3 एग्जाम देनी है, जेट बीएचयू और आईसीएआर, 3 एग्जाम देनी होती है, जेट आईसीएआर और बीएचयू की। अब देखिए ये एग्जाम तीनों मैथ, बायो और एजी, तीनों विद्यार्थी ही अटेंड करते हैं तीनों एग्जामों को, जेट आईसीआर बीएचयू। अब देखिए ये तीनों एग्जाम ये तीनों विद्यार्थी देते हैं। मैथ वाला जैसे बच्चा होगा उस बच्चे के 3 पोर्शन आते हैं, पहला हो गया मैथ, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया फिजिक्स। उसी प्रकार बायोलॉजी वाला विद्यार्थी है उसके भी 3 पोर्शन आते हैं, पहली बायो, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी फिजिक्स। और एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी भी ये एग्जाम देता है, उसके भी 3 पोर्शन आते हैं, पहला एजी, दूसरा बायो और तीसरा केमिस्ट्री। ये तीनों पोर्शन होते हैं, तीनों के अलग अलग होते हैं। अगर हम बात की जाए क्वेश्चनों की तो सभी में ही 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 3 डिवाइडेशन होता है तीनों पार्टों का, 40, 40 और 40, 40-40 क्वेश्चनों का डिवाइडेशन होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4,
तीनों का सम किया जाए तो बनता है 480 जेट स्कोर। ये तो होता है जेट का पूरा लेखा जोखा। अब बच्चे ये पूछते हैं, गार्जियन से पूछते हैं हमसे कि सर ये 400 में से, इस 480 में से, सॉरी 480 में से हमको कितने अंक लाने हैं कि हम पास हो जाएंगे या फिर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। देखिए ये सारा डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। पेपर यदि टफ है, पेपर यदि टफ है तो आपका सिलेक्शन बहुत कम नंबरों में भी हो सकता है, बहुत कम नंबरों में भी आपको सपोज दैट 200 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, यदि पेपर टफ होगा तब की बात है। और यदि पेपर हुआ इजी, पेपर हुआ इजी तो ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको 310 के आसपास मिलने जाएगी। जनरल कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कैटेगरी जनरल में आपको 310 नहीं, लगभग 370 के आसपास आपको शुरुआत में और एंडिंग में 310 ये मिलेगी आपको देखने कट ऑफ। पेपर यदि इजी हुआ तो, अगर पेपर टफ होगा तो यहां तक कट ऑफ आ जाती है। तो फिक्स नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ के बारे में कोई फिक्स नहीं है, पेपर पे डिपेंड करता है सब चीजें, कहां आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ये पोर्शन तो हुआ किसका, जेट का, जो सर ने बता दिया। थोड़ा सा मैंने भी आपको बता दिया इस बारे में कि क्या क्या इसका रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं हम आईसीईआर की, पहले आईसीईआर की करेंगे। इस एग्जाम को एजी, बायो और मैथ तीनों ही विद्यार्थी इस एग्जाम को देते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए ये एग्जाम एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। अब इसके अंदर एग्रीकल्चर का जो पोर्शन होता है वही होता है जो आपको बताया गया है, एजी, बायो और केमिस्ट्री। उसके प्रकार यहां भी तीन होते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और यहां भी तीन होते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये जो पोर्शन होता है वो होता है सीक्वेंस किसका, आईसीएआर का। यहां पे क्वेश्चनों का जो डिपेंड है वो अलग हो जाता है, क्वेश्चनों का जो नंबर ऑफ है वो अलग हो जाता है। एक 50 का होता है ये पार्ट, ये भी 50 का होता है और ये भी 50 का होता है, यहाँ पर भी 50 का, यहाँ पर भी 50 का और यहाँ पर भी 50 का। मल्टीप्लाई एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो कितना हो गया देखिए सीधा सा, 5 का 20, 5 का 20 और 5 का 20। उसी प्रकार ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी कितना आ जाएगा टोटल 600, ये भी कितना हो जाएगा 600 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 600। मतलब पूरा जो पेपर होता है वो कितने का आता है, 600 नंबर का। एग्रीकल्चर होगा वो भी कितने का, 600 का, बायो होगा वो भी कितने का, 600 का, और मैथ होगा वो भी 600 का पेपर आता है। वो कट ऑफ वाली बात, यहां पर भी, यहां पे भी डिसाइड नहीं है आपको कि कितनी कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिल जाएगी। यहां पे नॉर्मल सा 280 कम से कम, कम से कम है ये, और पेपर इजी हुआ तो ये कट ऑफ 450 पीजी पे, और ये टफ से टफ यहां तक मूवमेंट रहता है। इसके अंदर स्टार्टिंग होती है यहां से, लास्ट एंडिंग यहां पर। तो ये होता है आईसीआर वाले
बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है ये चीजें। आप तैयारी कर रहे हो तो नोट डाउन कर सकते हो इस चीज के लिए। सीधी सी बात आती है किसकी, बीएचयू की। बीएचयू की एग्जाम जो होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिन बच्चों ने बीएचयू का फॉर्म लगाया है आपको मैं जानकारी के अनुसार बता दूं, तीनों की एग्जाम से जो डिग्री प्राप्त होती है आपको वो सेंट्रल सेंट्रल और स्टेट, भारत लेवल, भारत लेवल और राजस्थान लेवल, लेवल तीनों का पता अलग अलग हो गया। यहाँ पे जो सीटें हैं लगभग 3500 सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे जो लगभग सीटें हैं 280 है के आसपास, यहाँ पे जो सीटें हैं वो लगभग इतनी है, इसमें सीट बहुत कम होती है और बच्चे इसका फॉर्म नहीं लगाते। अब हमारे स्टार्ट होता है यहां से टॉपिक कि सर बीएचयू में सीटें बहुत कम होती है 280, हम क्या सर इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे क्या। देखिए इस सीट का कंपेयर यहाँ पे किया जाए तो बहुत कम है, इस सीट का यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है, लेकिन मैं बात करूँ सिलेक्शन की तो इनसे ज्यादा इजी है ये वाला एग्जाम। क्यों? मैक्सिमम बच्चे तो इसको देख के छोड़ देंगे, इतनी सीटों में कहाँ पे नंबर आएगा हमारा। जो कुछ बच्चे हैं फॉर्म लगाएंगे, और मैं ये नहीं कह रहा किसी को एक तरीके से इंगित करते हुए कि किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा मैं, कई संस्थान वाले इसकी तैयारी नहीं कराते, बोल देते हैं बीएचयू में तो वैसे ही पास जाएगा तू, वो टप कर दिया और उसने भी उस चीज को। कई जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ये बोल देते हैं कि बीएचयू आपके लेवल का नहीं है, बीएचयू में आपका नहीं होगा, सीटें बहुत कम होती हैं। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना होता है इसके बारे में, इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना होता है। मेरा सोचना यह है इससे इजी और कुछ नहीं है, इससे इजी और कुछ नहीं है यदि आप पढ़ते हो तो। देखिए कैसे जी आता है, मैं समझाता हूं आपको इजी आखिर है कैसी है। जो मेरे बच्चे हैं पढ़ाए हुए साल भर से हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, आज आप भी सीख लीजिए, बीएचयू के एग्जाम बहुत इजी होती है, बच्चे बस इसको थोड़ा ध्यान से नहीं लेते। इसके भी तीनों स्टूडेंट बैठते हैं, एजी, बायो और मैथ, तीनों विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं। देखिए इसके पास तीन पोर्शन होते हैं, इसके पास भी तीन पोर्शन होते हैं और इसके पास भी तीन पोर्शन होते हैं। इसके पास जो आता है पोर्शन एजी, केमिस्ट्री और रीजनिंग, इसके पास आता है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके पास आती है मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये पोर्शन होता है तीनों का। देखिए फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर के हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चे सब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं सब जानते हैं, यहाँ पे अटेंड कर लेता है बच्चा, बच्चा यहाँ भी अटेंड कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो बताऊंगा रेशियो वो भी क्या अटेंड करता है बच्चा, और बच्चा यहाँ भी अटेंड करता है, अटेंड तो तीनों चीज ही करता है, ठीक है।
जो रियलिटी में इसके एग्जाम की तैयारी करता है वो भी गलती कर जाता है कई जगह। मैं बताता हूँ कैसे हुआ, देखिए तीनों जगह अटेंड कर देता है, लेकिन कई कई उनको दिमाग में अलग भ्रांतियां भी डाल देते हैं, तो वो बच्चे और सब्जेक्ट को भी टच कर जाते हैं, या फिर वो जो ओमार सीट होती है उसको भरने में गलती कर देते हैं। मतलब इसमें भी उनको पुख्ता जानकारी ये नहीं होती कि इसमें इनको करना क्या है। तो आज आप सीख लीजिए, आपके पास मौका है सीखने के लिए, हम सिखा देते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या होता है। देखिए एजी का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस आते हैं एजी के, 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, और 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ये रेशियो होता है। अब बात की जाए एग्रीकल्चर की, 50, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइडेशन करूंगा। बात की जाए केमिस्ट्री, 25, इसको भी दो पार्ट में मैं डिवाइडेशन करता हूँ, और रीजनिंग वो भी दो पार्ट में मैं, अभी देखिए मैं दो पार्ट में इसको क्यों डिवाइडेशन करता हूँ। देखिए जो बच्चा सही तरीके से पढ़ता है, सही ज्ञान नहीं होता, लेकिन पढ़ता तो सही है वो, लेकिन ज्ञान नहीं होता, उसके लिए मैं बात करूंगा। एक जो मेरा विद्यार्थी पढ़ाया हुआ होता है मैं उसकी बात करूंगा। देखिए एवरेज जो बच्चा होता है 50 क्वेश्चनों में से लगभग वो बच्चा 45 47 क्वेश्चन करके आता है, 45 से लेके 47 क्वेश्चन, और उस बच्चे की जो क्वेश्चंस बैठते हैं कार्टपीट के नेगेटिव उसके बैठते हैं 35 से लेके 37 तक, ये एवरेज होता है बच्चे का एग्रीकल्चर। बात की जाए केमिस्ट्री की, ये तो आ गया एजी, बात की जाए केमिस्ट्री की, 25 में से जो बच्चा अटेंड करता है वो करता है 10 या 12, ठीक है, और उसमें कट पिट के उसके बैठते हैं 5 से लेके 7 क्वेश्चन, सही। बात की जाए रीजनिंग की, तो बच्चा अटेंड करता है कम से कम 23 से लेके 25 तक, यहां बहुत तगड़ा वेटेज है, लेकिन कट पिट के जो बैठते हैं उनके बैठते हैं 4 से लेके 5 क्वेश्चन। देखिए थोड़ा इसको मैं इधर लिख देता हूं, 4 से 5। अपन क्या करते हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं एक बार, क्या करते हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए यहां पे इसने मान लो अचीव कर लिया कितना, 35, यहां पे हो गया 5 और यहां पे हो गया 5, 5 और 5 10, 10 और कितना हो गया 35 और 10 45, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13। जो बच्चा पढ़ता है रियलिटी में उसके नंबर इतने ही आते हैं, ये फैक्ट है। अब देखिए ये बच्चा वो है जिसने तैयारी भी की है लेकिन उसको डायरेक्शन सही नहीं मिला, ये बच्चा वो है। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री और बिजनेस तीनों का ये रेशियो रहेगा कट पिट के, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे लेकिन नेगेटिव मार्के इतना ही बैठेंगे उनके। अब इसके तो बच्चे के एक के तो बैठेंगे 135 साल, 135 एक बच्चा तो ये है। अब हमारा पढ़ाया हुआ इंस्टीट्यूट में दूसरे बच्चे कंपेयर करते हैं इससे, देखिए हमारा जो बच्चा है वो फिक्स है 47 से लेके 49 लगभग इतने क्वेश्चन अटेंड करता है एग्रीकल्चर में, और बच्चे के कम से कम 42 से लेके 45 क्वेश्चन सही होते हैं एग्रीकल्चर में, फिक्स है क्योंकि जो पढ़ाते हैं वो ही एग्जाम में मिलता है।
ये दो तीन क्वेश्चन भी उसकी मिस्टेक से गलती होती है। उसके बाद में केमिस्ट्री की यदि बात की जाए तो 25 क्वेश्चनों में से लगभग हमारा जो बच्चा अटेंड करता है 15 से लेके 17 क्वेश्चन, कितना 15 से लेके 17 क्वेश्चन, और जो उस बच्चे कट पीट के बैठते हैं वो एवरेजन 10 से 12 क्वेश्चन बैठते हैं। क्लियर, ये है सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा बच्चा भी कितना अटेंड करेगा, इतना। हमारा बच्चा भी लगभग 23 से लेके 25 तक अटेंड करता है। देखिए इसमें जो सही बनते हैं उसके वो कितने बनते हैं, कम से भी कम 21 से लेके 23 तक, फुल बटा फुल। यहां फैक्टर देखना कितना जबरदस्त काम करता है। यहां पे कितने हो गए अपने दूसरे पोर्शन में 42, यहां पे दूसरे पोर्शन कितना है 10, यहां पे दूसरे पोर्शन कितना है 23। देखिए तीन और दो पांच, चार और दो छह और एक सात, मल्टीप्लाई तीन कीजिए, 5 3 15 का 5 असल की एक, 7 3 21 और 1 22। आप देखिए एक ने किया 225 नंबर टेन और एक ने किया 135। देखिए अंतर दोनों में कितना डिफरेंस है यहां से यहां तक, ये डिफरेंस कौन लाया, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स, ये दो डिफरेंस लाते हैं। ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, यहां पे डिफरेंस आता है। तो हम बच्चे को इस वाले पोर्शन को भी अच्छे पढ़ाते हैं, ये नहीं कहते कि ठीक है आप कराओगे उसमें, ठीक है आपको आता है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन अटेंड कर दोगे, आपको थोड़ी बहुत चीजें आती है, नहीं, हम आपको कंप्लीट पढ़ाते हैं। और हम सिलेक्शन नहीं, हम रैंक के लिए पढ़ाते हैं, इसके लिए रैंक के लिए। इसलिए मैं कहता हूं आप जैसे हम पढ़ाएं वैसे पढ़ते रहिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 300, 300 में से कितने ले आए आप 225, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 1 से लेके 10 रैंक के अंदर हो आप, सेफ हो बिल्कुल। ओवरऑल कैटेगरी रैंक कौन सी है आपकी, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक रैंक पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो आप ये काम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रीकल्चर आपको आती है, केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे उसी में से मिलेगा आपको, रीजनिंग जो पढ़ाएंगे उसी में से ही मिलेगा, गारंटी है। तो कोई नोट डाउन करने की आवश्यकता है नहीं, इसके अंदर हटा दे रहा हूं मैं। अब आपको मैंने इसमें सब कुछ चीजें बता दी हैं कि आपको क्या करना है, तो आप मेरा मकसद भी समझ गए होंगे कि आपको रियलिटी में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, रीजनिंग जो होती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के अंदर क्लासों के अंदर रीजनिंग पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है। इसके भी तीन चार पोर्शन होते हैं, यदि टीचर कवर कराता तो ठीक है, नहीं कराता है तो फिर वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है आपके साथ। पहला जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, दूसरा मैथ का पोर्शन होता है, तीसरा होता है जीके का, जीएस जनरल स्टडी। यहां से कम 2 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से लेके 3 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, यहां पे कम से कम 5 से लेके 7 तक क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 से लेके 7 तक क्वेश्चन। और बाकी जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, रीजनिंग का। बच्चा यही गलती कर जाता है इन दोनों के अंदर, और इसमें भी कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, इसलिए बच्चे के नंबर आते हैं कम। और इसी फॉर्मेट को हम बच्चे को देते हैं तो बच्चा हमारा करता है टॉप। ये है, तो ये जो कैटेगराइज कर दिया मैंने 3 पोर्शन में, अब देखिए
आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ छोटी मोटी चीजें जो शायद आपको पहले से आती हैं, लेकिन वो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर बीएचयू आपका टारगेट है तो बीएचयू अब आपसे दूर नहीं है। यदि आप हमारे साथ हमारे कही अनुसार, हमारी बताई गई चीजों के अनुसार पढ़ते हो तो क्यों? आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर हम तो मैथ जानते ही नहीं है तो हम बीएचयू में सिलेक्टेड कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए, आपको चाहे मैथ आती हो चाहे नहीं आती हो, आपको मैथ चाहे आती हो चाहे नहीं आती हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं जीरो लेवल से ही आपको पढ़ाऊंगा सब चीजें। जीरो लेवल से ही आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो और चाहे वो जीएस हो, तीनों किससे पढ़ाऊंगा? जीरो लेवल से। और हम जानते हैं यदि जीरो लेवल से कोई चीज पढ़ाई गई है तो हमको वो 100% चीज समझ में आएगी। तो बीएचयू में जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको पढ़ते चलना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना। अब देखिए, कई कई बच्चों का ये मानना है कि सर हम बीएचयू क्लास क्यों ले, हम तो यहीं पे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, या हमारा भाई है जो पढ़ा सकता है। देखिए, वो बात आपकी भी सही है कि हो सकता है आपके कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, वो आपको पढ़ा दे, लेकिन वो आपको इतना अच्छा कवर नहीं करा पाएगा जो आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी भी कोई चीज होती है। जब तक आप किसी चीज को रेगुलर नहीं पढ़ोगे, सही वे में नहीं पढ़ोगे, जब तक आपके लिए समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो घर पे हैं वो आज सुबह पढ़ाएगा, कल शाम को पढ़ाएगा, एक दिन दोपहर में पढ़ाएगा, तीसरे दिन कोई काम पड़ गया, चौथे दिन और काम, फिर आपका वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं कहूंगा डेली क्लास लो, आधे घंटे 45 मिनट क्लास होती है, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे, ट्यूशन आपका 1% भी बाहर नहीं जाएगा, किसने उसी के अंदर से आना है। हो सकता है डेटा, डेटा का मतलब ये है 2 की जगह 5 या 5 की जगह 2, गणित तो आती है इतने हमको, 1 से लेकर 10 तक गिनती तो आती है ना, तो वो ही चेंजेस होंगी केवल, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, एग्रीकल्चर डायरेक्टर सर पढ़ाते हैं आपको, वो पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी वही पढ़ाते हैं, वहां पे भी वही पढ़ाएंगे, क्लासरूम में भी। बीएचयू का पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्लासरूम में भी वहीं पढ़ाऊंगा मैं भी। केमिस्ट्री और बायो की फैकल्टी, वो आपको जैसे क्लास लगेगी वही सर पढ़ाएंगे जो आपको ऑनलाइन में उपलब्ध होंगे। तो देखिए, आपके बीएचयू के अंदर जो कम से कम जो बेसिक होता है वो स्टार्ट होती है ए बी सी डी से, ए बी सी और डी, यहां से स्टार्ट होता है आपका। ए बी सी डी आपको आती है या नहीं आती डिसाइड करता है आपके ऊपर। देखिए, अगर ए बी सी डी दी आपको आती है तो आप सेलेक्ट हो, कोई शक नहीं है, लेकिन ए बी सी डी नहीं आती है तो बिल्कुल भी आप सेलेक्ट नहीं हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब सबके दिमाग में ये चीज है कि सर हमको तो आती है बी सी डी, हम क्यों पढ़े? लेकिन मैं कहता हूं आपको अभी भी आती होगी, लेकिन कम आती है, या मैं कहूँ कुछ नहीं आती। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल यदि मैं पूछ लूँ आपसे कि बताओ टी कितने नंबर पे आता है, तो इसमें तो आधे बच्चे तो वैसे फेल हैं, गिनने लग जाओगे 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम टी, फिर गिनोगे जाके 20 पे जाके, हाँ वही T20 पे आता है सर। क्लियर? जैसे मैंने पूछ लिया आपसे एक्स कितने पे आता है, फिर गिनोगे सर हमको ए बी सी डी तो आती है लेकिन हमको ये नहीं आता कि ये 24 नंबर पे आता है। तो यही सीखना है आपको, आपको यहीं से ही पढ़ाई करनी है कि ये 24 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये मैं आपको केवल 5 मिनट में ये चीज आपको क्लियर मैं करा देता हूं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, समझते चलना बिल्कुल एक सीक्वेंस के अनुसार। देखिए, A1
इसको शायद मेरे को आवश्यकता नहीं है आपको बताने की कि ए कितने नंबर पाता है, एक नंबर। अब देखिए बी है जो कितने पे आता है, टू पे। कितने पे आता है, टू पे। ढंग से एक बार गौर करो, बी टू क्या बना, बी टू क्या नाम है, क्या बिट्टू है, बी टू है कि नहीं है, बिट्टू है कि नहीं है नाम। तो इसको हमको क्या पढ़ना है, बिट्टू, बी टू। तो बी कितने पे आ गया, टू पे। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं तीन की, तो सी तीन पे आता है, आता ही नहीं आता। तो आपने एक नाम ही पढ़ा होगा सितिन, क्या सितिन। तो देखिए सी और कितने पे आ गया, तीन पे। सी कितना हो गया, तीन हो गया, सी तीन हो गया, ठीक है। सी कितने पे हो गया, तीन पे आ गया, सी तीन। तो कैसे पढ़ना पड़ो, सी तीन। तीन याद हुए कि नहीं बताओ, ए एक पे, बी टू, सी तीन। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला तो आपने देखी होगी ऐसे, जस्ट हो सकता है और कोई हो, ठीक है। तो कंपनी देखी होगी, ये कौन सी कंपनी है बताओ, सब जानते हैं साहब ओडी है ना। ये कौन सी है साहब, तो बोलेंगे मर्सिडीज है साहब, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसमें एक कंपनी का नाम आता है फोर्ड, आता है कि नहीं आता बताओ, आता है। देखिए एक कंपनी का नाम लिख रहा हूं मैं फोर्ड, देखो फो और ड, फो और ड, मतलब फो और ड, फो और ड। डी कितने पाया, चार पे। डी कितने पाया, चार पे। फो और ड, देखिए एक एक पे आ गया, बी टू और सी तीन और फोर्ड। यहां तक याद हो गया आपको, क्लियर। लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ई जे ओ टी वाई, इसे बोलते हैं इजोटी। क्या बोलते हैं, इजोटी। ई कितने पे आता है, पांच पे। कितने पे आता है, पांच पे। पांच का पहाड़ा बोल दो, पांच एकम पांच, पांच दून दस, पांच तीन पंद्रह, पांचों का बीस और पचाम पच्चीस, पचाम पच्चीस। तो इसका तात्पर्य यह है कि ई कितने पे आता है, पांच पे। जे कितने पे आता है, टेन पे। ओ कितने पे आता है, पंद्रह पे। टी कितने पे आता है, बीस पे। और वाई कितने पे आता है, पच्चीस पे। मैं तो केवल आपसे ये कहता हूं, केवल अभी इसको याद कर लो कि ई कितने पे आता है, पांच पे। तो यहां से ये चीज फिक्स हो गई कि ई कितने पे आ गई, पांच पे। इजोटी से ई कितने पे आ गया, पांच पे। अब देखिए क्या कभी प्लेटफॉर्म पे आप गए थे, क्या गए होंगे, वहां पे आपने टाइम भी देखा होगा, देखा होगा सब। क्या बताओ, जो वहां पे छह बजते हैं वो ऐसे ही बजते हैं क्या, हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा कम दिखाई दे, ऐसा बजता है मेरे साथ इच्छा। तो देखिए एफ, अब आपको पता है एफ तो छह पे आने वाला है, लेकिन याद कैसे करें हम। तो याद करना है आपको किस तरीके से, इसको देखो यहां से मिलाओ, इसको यहां से मिलाओ, कितने बज गए, छह। तो एफ कितने पे आएगा ऑटोमेटिक, छह पे। कई लोग ऐसे बोलते हैं इसको एफ, एफ को कर दिया फिक्स। फिक्स कितने पे आ गया, सिक्स पे। फिक्स कितने पे आ गया, सिक्स पे। सिक्स फिक्स, कैसे भी याद कर लो, तरीका बहुत अच्छा है ये मेरे हिसाब से। तो डायरेक्ट याद आ जाएगा एफ की डायरेक्शन देख के, कितने पे आ गया, छह पे। तो एफ कितने पे आ गया यहाँ पे बताओ, छह पे। क्लियर, यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है। इसके बाद में जो कैपिटल जी आता है, कैपिटल जी आता है मेरे दोस्तों, तो देखिए ये जो डायरेक्शन है ये क्या बना रही है, आप देखिए ढंग से क्या बना रही है, ये सात। क्या बना रही है, सात। तो जी कितने पे आ गया बताओ, सात पे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमने कैपिटल जी लिखा उसके अंदर क्या आ गया, सात। तो सात पे कितना आ गया, जी आ गया, जी सेवन। अब देखिए यहां पे ऐसे लिख लेना, इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए जब आप प्लेटफॉर्म पे गए तो एक और बजते हैं वहां पे, आठ। आठ ऐसे बजते हैं क्या, नहीं गलत, वहां पे आठ बजते हैं कुछ इस तरीके से,
ऐसे बचते हैं आठ, बचते हैं ना। तो देखिए H कितने पे आता है, आठ पे। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये कितने बच गए, आठ। तो H कितने पे आ गया, ऑटोमेटिक आठ पे। यहां भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आकृति देख के पता चल रहा है H कितने पे आता है, आठ पे। तो बताओ यहां तक याद करने की आवश्यकता है क्या, लिख लो लिखना चाहो तो। अब देखिए इसके बाद में आई, क्या छोटा आई ऐसे आता है क्या, आता है सब। तो क्या इसमें देखो अब क्या बन गया, नौ। तो ये कितने पे आ गया, नौ पे। क्लियर, ये सीधा यहां से छुपाने के बाद कितने पे आ गया, नौ पे। तो आई कितने पे आ गया, ऑटोमेटिक नौ पे। या फिर कई कई ऐसे बोलते हैं आई नो, आई नो ऐसे बोलते हैं। देखो आई से बन गया आई और नो से बन गया नो, आई नो। आपसे पूछा जाता है यू नो, आप जानते हो तो आई नो, नहीं जानते हो तो आई डोंट नो। तो इसी प्रकार है, आई कितने पे आता है, नो पे आता है। तो याद करने के मेरे हिसाब से अच्छी तरीका है, देख के पता चल रहा है कितने पे आता है, नो पे आता है। तो यहां से आई कितने पे आ गया, नौ पे आ गया। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में आपने तीन नाम लिख चुके हो, बिट्टू, सितिन, फोर्ड। चौथा जो नाम है वो जे पे आता है, जे को बोलते हैं जतिन। क्या बोलते हैं, जतिन। देखो जैसे बना है जे और टेन से बना है टेन, टेन से क्या बना है टेन। तो जय टिन, जय टिन। तो जे कितने पे आ गया, टेन पे आ गया। जे कितने पे आ गया, टेन पे आ गया। तो यहां से आपको पता होना चाहिए जे टेन। तो जे कितने पे आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, टेन पे। क्लियर। तो उतार सकते हो, आपको छापना है तो छाप लो। अब देखिए आप क्रिकेट तो खेलते होंगे, ऑफिशियली बात है, सब जानते हैं सब क्रिकेट खेलने का। देखिए क्रिकेट जब खेलते हो तो उसके अंदर एक T20 मैच चलता है नहीं चलता, बताओ। T20 चलता है नहीं चलता, चलता है सब, चलता है ना, ठीक है। उसके अंदर बताओ जो अभी IPL चल रहे हैं उसमें एक टीम का नाम किंग्स इलेवन है कि नहीं है, किंग्स इलेवन है कि नहीं है, है ना, है। तो देखिए कैसे बना है किंग्स और इलेवन से बना है इलेवन, किंग्स इलेवन। तो के कितने पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, के 11 पे। के कितने पे आ गया, 11 पे। किंग्स इलेवन, के कितने पे आ गया, 11 पे। किंग्स से बना है के और इलेवन से बना है इलेवन, तो किंग्स इलेवन। अब देखिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, या फिर आपने देखो दो तरीके हैं, कोई से भी याद कर लो। एक तो एलन, एल एन, एलन का नाम सुना है आपने, जो कोटा के अंदर इंस्टीट्यूट है, IIT जे की तैयारी कराता है। इसका नंबर है 12 14, कितना है, 12 और 14। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो याद, एलन का नंबर 12 और 14। या फिर एक लक्ष्मी निवास है, लक्ष्मी निवास, उसका नंबर कितना है, 12 और 14। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, एलन से भी कर सकते हो, लक्ष्मी निवास से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से याद करते हो। एक नंबर रह गया इसके अंदर एम। तो देखिए एम कितने पे आता है, 13 पे। इसको एक कैसे याद करें साहब, तो इसको याद करने का तरीका है बहुत अच्छा हमारे पास, कि जब हम गांव में देखते हैं एक लेडीज दूसरी लेडीज से बात करती है, तो वो कहती है कि तेरे घर में क्या चल रहा है बता, वो कहता है मेरे घर में तो ये चल रहा है, तो आप बताओ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तो वो आपस में करती क्या है, वो करती है तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये है वो आपस में क्या करते हैं, वो तेरे मेरे करते हैं, तेरे में चल रहा है, मेरे में चल रहा है, मेरे में चल रहा है, तेरे में चल रहा है। तो तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, तेरा पे क्या गया, मेरा। तेरा पे क्या गया, एम। तेरा पे क्या गया, एम। तो उसी प्रकार तेरा पे क्या याद करना है, हमको एम याद करना है। तेरे मेरे से क्या आ गया, तेरे मेरे, सॉन्ग भी सुना है आपने, ठीक है, सलमान खान का सॉन्ग है तेरी मेरी कहानी,
ठीक है, उससे याद कर सकते हो। लक्ष्मी निवास 12-14 हो गया। अब देखो गर्मी का मौसम आने वाला है, तो गर्मियों में किसका जूस पिया जाता है? गन्ने का नहीं, संतरे का। किसका? संतरे का। संतरे क्या बोलते हैं? ऑरेंज। क्या बोलते हैं? ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है गर्मियों में कम से कम कितने के भाव बिकेगा आपका? 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। कितने रुपए? 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। तो देखिए हमने क्या क्या याद कर लिया। जतिन जी 10 पे आ गया, किंग्स 11 से के कितने पे आ गया? 11 पे आ गया। लक्ष्मी निवास 12 और 14 पे आ गया। 13 मेरा मतलब 13 पे क्या आ गया? एम आ गया। ऑरेंज कितने के भाव बेच दिया अपन ने? 15 के भाव बेच दिए। तो बताओ 15 तक आपको याद हुए या नहीं हुए? सच बोलना, 15 तक याद हुए या नहीं हुए? मैं रिवीजन करा दूंगा एक बार, आप देख लो एक बार इसको। हाँ अब देखिए, जब गर्मियों के टाइम में ऑरेंज 15 के भाव बिक रहे हैं सपोज दैट, तो 15, अब गर्मियों के दिन जब आपने संतरा खा लिया तो भाई थोड़ा पीने का भी मन करता है आपका, तो सोडा वोडा पीते नहीं पीते पीते हो ना? हाँ, तो देखिए सोडा पी के आपने क्या किया? सोडा और पी लिया, सोडा और पी लिया। तो पी से बना है पी और सोडा से बना है सोला, तो सोडा पी के, क्लियर? पी लिया, उसके बाद किताब पढ़ने बैठ गए सपोज दैट, आपने किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कह दिया आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बहुत तगड़ा खतरा है, इसको ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17 है जो बहुत तगड़ा खतरा है, इसको ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17 इसके आपके लिए खतरा है, तो क्यों कितने पे आ गया बेटा? 17। कितने पे आ गया? 17 पे, ठीक है। पेज नंबर 16 ऐसे याद कर लो, तो पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? खतरा है आपके लिए, ऐसे याद कर लो। चाहिए सोडा पी के क्वेश्चन नंबर 17, या फिर पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 खतरा है आपके लिए, ठीक है। तो पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 आपके लिए क्या है? खतरा है। बताओ यहां तक याद हुआ नहीं हुआ? ठीक है सर, यहां तक हो गया, अब आगे बता दू, आगे बता देते हैं। देखिए अब आता है आर एस और टी। देखिए ऑफिशियली 18, 19 और 20 आने वाला है, ये तो आप भी जानते हो। देखिए मैंने आपसे बोला था T20 मैच चलता है, उसके अंदर किंग्स 11 की टीम होती है, होती है नहीं होती है? होती है। तो T20 का मैच चलता है, देखिए क्या T20 बन गया, क्लियर। अब दो बच्चे R और S, R और S। तो देखिए ये दो जो हैं पेयर, वो मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूं, ये पेयर याद कर लो, ये फिर आर एस टी से डायरेक्ट याद कर लो, 18, 19, 20, ठीक है। ये दो पेयर मैं याद करने के दे रहा हूं, 18 और 19 आर एस, और T20 पे हो गया ऑटोमेटिक। अब इसके बाद में देखिए जब 20 की बात चल रही है, T20 की बात चल रही है, तो इसमें एक खिलाड़ी है जिसने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं, आपके याद आ गया होगा, उसके बोलते हैं युवराज सिंह, और युवराज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूवी। क्या बोलते हैं? यूवी। तो देखिए यू कितने पे आता है? 21 पे। वी कितने पे आता है? 22 पे। याद करने का तरीका ये, ये एक डंडे से बना है इसलिए दो कितनी बार आएगा? एक बार। और वी कितने डंडों से बना है? दो डंडों से, इसलिए दो कितनी बार आएगा? दो बार। याद करने का शॉर्ट तरीका है यू और वी 21 और 22 एक डंडे से मिलकर बना है, इसलिए दो एक बार आएगा। दो डंडों से मिलकर बना है इसलिए दो कितनी बार आएगा? दो बार आएगा, क्लियर। तो यहां से अपन ने ये सीख लिया कि आर और एस, ये तो हो गया 18 और ये हो गया 19, और टी कितने पे आ गया? 20 पे। यू आ गया 21 पे और वी आ गया 22 पे। एक तरीका और है इसको याद करने का, आप चाहो तो यू वी डब्ल्यू, साइंस की भाषा में अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य, पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य, इसको ऐसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव, 21, 22 और 23 ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर बेस्ट तरीका है युवराज सिंह 21, 22। अब देखिए
अल्ट्रा वाइलेट वेव से डब्ल्यू भी आप याद कर सकते हो, डब्ल्यू कितने पे आ गया, 23 पे आ गया, या फिर एम होता है जो कितने पे आता है, 13 पे आता है। यदि यहाँ पे मैं मिरर रख दूँ कांच, तो डब्ल्यू कैसे बनता है क्या, इसका उल्टा डब्ल्यू आएगा, और इसमें 10 जोड़ दो तो कितना हो गया भैया, 23, कितना हो गया, 23 हो गया। तो डब्ल्यू ऑटोमेटिक कितने पे आ गया, 23 पे आ गया। अब क्या बचा आपके पास, एक्स वाई और जेड। तो मैंने आपको बता दिया ई जे ओ टी वाई, वाई कितने पे आया था यहाँ पे, 25 पे। तो यहां से वाई कितने पे आ गया, 25 पे। ये जानते हो ऑब्वियसली कितने पे आएगा, 26 पे, ये बचा केवल। और ये कितने पे याद कर लेना है, 24 पे। दो वर्ड दिए मैंने आपको याद करने के लिए, आर और एस और एक एक्स। इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको याद करना हो। एक बार मैं लर्न करा देता हूं आपको, उधार लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों, आप अब ये सीख चुके हो एबीसीडी के अंदर कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। ए एक पे, बी टू से, बी दो पे, सी तीन से, सी तीन पे, फोर से, डी फोर पे, इजोटी से, ई पांच पे, एफ प्लेटफॉर्म से, 6 पे, जी उसके आकृति से, 7 पे, एच उसके आकृति से, 8 पे, आई छोटा आई, 9 पे, जे 10, जतिन किंग्स 11, के 11 पे, लक्ष्मी निवास एल 12 पे और एन 14 पे, तेरी मेरी एम 13 पे, ऑरेंज 15 के भाव भेजने हैं, पेज नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 17, पी मतलब पेज, और 16 पे आ गया पेज, और क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या है, खतरा, तो क्यू और 17। आर एस टी, आर कितने पे, 18 पे, एस कितने पे, 19 पे। इसके बाद T20 मैच आ गया, T20, T20 में छक्के, छह छक्के, छह बॉल पे छह छक्के किसने मारे, युवराज सिंह ने। यू और वी, यू कितने पे, 21 पे, और वी कितने पे, 22 पे। यू एक डंडे से मिलकर बना है इसलिए 21, और वी दो डंडों से मिलकर बना है इसलिए 22। अल्ट्रा वायलेट वेव, डब्ल्यू कितने पे आ गया, 23 पे, 21 22 23, या फिर एम का उल्टा डब्ल्यू, 10 जोड़िए तो हो गया 23। उसके बाद में क्या बचा, जेड वाई और एक्स। जेड कितने पे, 26 पे, इजोटी से, वाई 25 पे, और एक्स कितने पे, 24 पे। तो अब ये क्लियर हो चुकी है आपके सामने कि एबीसीडी का ये पूरा क्रम क्या रहेगा। अब देखिए, अब कुछ फील हो रहा होगा आपको, ये फील ये हो रहा होगा कि हकीकत में अब कुछ आने लगा है हमको, हकीकत में कुछ आने लगा है आपको। देखिए जैसे अब मैं बोल देता हूं, मैंने कोई वर्ड लिखा है, ये ई एफ आई के ओ पी एल। पहले कंडीशन क्या थी आपकी, अब कंडीशन क्या है आपकी, देखिए पहले कंडीशन थी ई, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ये कितने पे आता है, 5 पे। अब कंडीशन क्या है, इजोटी, ई 5 पे। फिर पहले कंडीशन क्या थी, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, पहले कंडीशन 6, आकृति से डायरेक्ट 6, बताओ मानते हो नहीं मानते। पहले कंडीशन क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कंडीशन क्या है, छोटी आई याद करी हमने, 9। के तक गिनोगे फिर गिनोगे, हमको याद आ गया सीधा किंग्स 11, ओ को देखते तो याद आ गया सीधा ऑरेंज कितने के भाव, 15 के भाव। पेज नंबर 16 पे है ना क्वेश्चन नंबर 17, है नहीं आगे, लक्ष्मी निवास है तो 12। बताओ कितनी जल्दी लिखा हमने। आपका टाइम बचा या नहीं बचा, बचा ना टाइम, देखिए अब और भी फास्ट लिखते हैं हम इस चीज को। एक्स पी क्यू ओ आर टी यू वाई, सॉरी एक्स डाल दिया, वाई एल जे। अब देखो ये वर्ड मैंने अलग अलग दिख दिए, अब
पिछली बात है बहुत आगे होगा आंसर तक का आपका। 24, 16, 17, 15, 18, 20, 21, 25, 12 और 10। देखिए क्या पहले आप इतनी जल्दी लिख सकते थे क्या? इसको नहीं लिख सकते थे, आप लिखने लग गए हो। तो बताओ, जीरो से कोई चीज सिखाते हैं तो याद आती है कि नहीं आती? हो गई याद ऑटोमेटिक, कोई रखने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत जल्दी ये चीजें सीख चुके हैं। और मैंने अभी तक आपको कोई होमवर्क नहीं दिया कि आपको कुछ याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना। अब देखिए एक और मैं बताऊंगा आपको बात, एबीसीडी आपको याद हो चुकी है, एक टर्म्स और बता देता हूं आपको, वो याद करना है आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने क्या किया, हमने 1 से लेके और 13 तक अलग मार्क दिया, और 14 से लेके 26 तक अलग मार्क दिया। 1 से लेके 26 तक थे, 13 इस साइड कर दिया, 13 इस साइड कर दिया हमने। अब हमको करना क्या है इसके अंदर, हमको ये करना है, इसके विपरीत तो जेड आता है और जेड के विपरीत ए आता है, उसी प्रकार बी के विपरीत वाई आता है और वाई के विपरीत बी आता है, एक्स के विपरीत सी आता है, सी के विपरीत एक्स आता है, डी के डब्लू डब्लू और डी से पीछे डब्लू और डब्लू से पीछे डी, इसी प्रकार ई के पीछे वी, वी के पीछे ई, एफ के पीछे यू, यू के पीछे एफ, जी के विपरीत टी और टी के विपरीत जी, एच के विपरीत एस, एस के विपरीत एच, आई के विपरीत आर, आर के विपरीत आई, जे के विपरीत क्यू, क्यू के विपरीत जे। ऐसे हमको याद करने होते हैं, नहीं कर पाओगे गारंटी है। दो तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगता है वो आप याद कर लेना। देखिए पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, दोनों ही इजी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। देखिए आपको इस जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको पढ़ना है अजर। क्या पढ़ना है? अजर, अजर, क्लियर। और इसको पढ़ना है बॉय, लिख लीजिए बॉय पढ़ना है, इसको पढ़ना है क्रैक्स, क्रैक्स ऐसे लिख लेना सी एक्स क्रैक्स, इसको पढ़ते हैं दूध वाला, दूध वाला, इसको बोलते हैं एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम, प्रत्येक शाम, इसको बोलते हैं फुल करके, फुल करके, इसको बोलते हैं गौरव टावर या जीटी, इसको बोलते हैं हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे, इसको बोलते हैं जयपुर की क्वीन, इसको बोलते हैं काला पानी, इसको बोलते हैं लव, और इसको बोलते हैं मन। ये चीज आपको लिख लेनी है, अजर बोल दे रहा हूं मैं, लिख लो एक बार, अजर बॉय क्रैक्स, डी डब्लू दूध वाला, ई वी एवरी इवनिंग, एफ यू फुल करके, जी टी गौरव टावर, एच एस हाई सेकेंडरी,
आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जयपुर की क्वीन, के पी काला पानी, एल ओ लव और एम एन मन। देखिए हमको इसको 2 बार हम रिवीजन करेंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट होना स्टार्ट होगा। देखना, अजर बोलिए मेरे साथ, अजर बॉय क्रैक दूध वाला, यहां तक विराम लगा दीजिए। उसके बाद एवरी इवनिंग फुल करके गौरव टावर, यहाँ पे कर दीजिए डैश। हाई सेकेंडरी इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, काला पानी, लव और मन से। कम समझ में आया होगा, एक बार और करो। अजर बॉय क्रैक्स दूध वाला, अजर बॉय क्रैक्स दूध वाला, एवरी इवनिंग फुल करके गौरव टावर हाई सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मन। समझ में आ रहा होगा, कुछ पिक्चर चल रही है, कुछ न कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए क्या चल रहा है, मैं जोड़ के दिखाता हूँ इसे। अजर बॉय नाम का लड़का था, अजर बॉय नाम का लड़का था, क्रैक्स वो खाता था, क्रैक्स आता है खाने का, वो खाता था। पिताजी उसके क्या थे, दूध वाले क्या थे उसके पिताजी। प्रत्येक शाम को अपनी जो डोली होती है उसको फुल करके, जो भी डिब्बा होता है उसको फुल करके गौरव टावर, जीटी गौरव टावर, ये बिल्डिंग मान लो गौरव टावर जयपुर के अंदर है, जीटी मॉल, तो वहां पे वो उस दूध को बेचते थे। हाई सेकेंडरी में बच्चा पढ़ता था, हाई सेकेंडरी, इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई, इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई, जयपुर की क्वीन से शादी कर ली, काला पानी की सजा मिली, क्यों मिली, लव करता था और मन से। मजे आ गए, नहीं देखिए दोबारा। अजर बॉय नाम का लड़का था, क्रैक्स वो खाता था, पिताजी दूध वाले थे, एवरी इवनिंग फुल करके गौरव टावर के पीछे वो दूध को बेचते थे। हाई सेकेंडरी में बच्चा पढ़ता था, इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई, जयपुर की क्वीन से शादी कर ली, काला पानी की सजा मिली, क्यों मिली, लव करता था मन से। तो शायद हो सकता है आपको याद होने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, लेकिन अपने पास दूसरा और तरीका है। क्या है तरीका, वो है फॉर्मूला 27, फॉर्मूला 27, इसको याद कर लेना, फॉर्मूला 27, बस इतना याद करना है। एब बराबर 27, एब का मतलब फॉर्मूला, 27 का मतलब 27। जैसे देखिए मैंने बोला आपसे टी के विपरीत क्या आएगा, टी के विपरीत क्या आएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए टी कितने पे आता है, 20 पे, कितने पे आता है 20 पे। 27 में से 20 माइनस करोगे, 27 में से माइनस 20 करोगे कितना बचा, 7। तो बताओ 7 पे क्या आता है, हमेशा जी। तो बताओ जी टी आ गया, जी और टी क्या विपरीत में आ गए किसके, आ गए सर। बताओ, या तो इस तरीके से याद कर लो या फॉर्मूला आपके पास है, जैसे आप करना चाहो। मान लो सपोज दैट एक्स का देख लेते हैं, एक्स कितने पे आता है बताओ, 24 पे, कितने पे आता है 24 पे। 27 में से 24 निकालो तो कितने बचे, 3, और 3 के लिए क्या आता है, सी 3, क्या आता है, C3। तो बताओ इजी है या नहीं है, एकदम इजी है, आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है याद करने की। फॉर्मूला 27 से बिल्कुल इसमें रखो, आंसर आपका आ जाएगा। तो बताओ यहां पे भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और मैं गारंटी ले रहा हूं यदि आप अपना 100% यहां पे दोगे तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग के अंदर ना ही मैथ के अंदर भी। मैथ के अंदर भी मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा सवाल। देखो आपको क्या करना है, अभी अभी ये करना है जो मैं सिखाता जा रहा हूं उनको सीखते चलो, ठीक है, जो मैं सिखाता जा रहा हूं उनको सीखते चलो। आपको 0 से लेवल से हाई लेवल का जितना आपका क्वेश्चंस बनता है वहां पे मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 0 सिखाऊंगा, आपका बेस है जो यहाँ पे है ना कि हाई लेवल पे है। तो मैं पहले आपका ये लेवल क्लियर कराऊंगा, उसके बाद
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या है, एक जैसे आपका एक लेसन है उसके क्या है कैटेगराइज है, टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स। पहले हम टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, टॉपिक्स कंप्लीट लेसन कंप्लीट आपका, तो वो काम करते हैं। उससे पहले भी जो काम बनता है हमारा ये बनता है कि बेसिक्स पहले पढ़ाया जाए। मैंने आपको बेसिक्स बता चुका हूँ, अब आपको शायद मैं क्वेश्चनों पे लेके जाऊंगा तो इतनी मैं गारंटी आपको 100% दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तरीका नोट कर लीजिए, ये तरीका नोट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे बेस्ट। तो भाई समझ में तो आ ही गया होगा, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे पढ़ते चलो, गारंटी है आप तो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, हम आपको रैंक भी निकाल के देंगे। आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हम आपको रैंक भी देंगे। देखिए स्टार्ट बहुत करते हैं, कामयाबी पे वो ही जाता है जो निरंतर प्रयास करता है। यहाँ पे मान लो एक दौड़ प्रतियोगिता है, कितने हैं दौड़ प्रतियोगिता, इसमें 100 बच्चों ने यदि भाग लिया तो बताओ यहां तक क्या 100 के 100 पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेगा वो ही जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, दिन रात मेहनत की होगी उसने, रियलिटी में वो सही डायरेक्शन में सही दिशा में इन सभी से दूर हटके जो भागेगा वो पहले पहुंचेगा, गारंटी है। भीड़ में घुसेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो दूर हटके थोड़ा भागेगा तो गारंटी के साथ है वो जल्दी पहुंच जाएगा। उसने एक अलग फॉर्मेट सोचा है, एक अलग दिमाग यूज में लिया है, भीड़ उसको आगे जाने में रोकती लेकिन ये सीधा यहां से निकला और यहां पहुंच गया, कोई भी अड़चन इसको नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें से जो बच्चा हकीकत में भागने वाला है 5 से 7 बच्चे वो ही पास होंगे, बाकी सब फेल हो जाएंगे। वही आपके साथ है, आपके 40,000 बच्चे बैठेंगे, कितने 40,000 बच्चे बैठेंगे जेट के अंदर, पास कितने होंगे केवल 5,400। यही बच्चे बीएससी करेंगे, पढ़ने में तो इन्होंने भी कभी नहीं छोड़ी, ये बच्चे पढ़ रहे हैं ये बच्चे पढ़े थे, लेकिन इनकी जो सोच थी इस भीड़ से वो हटके थी, हटके इन्होंने सोचा इसलिए पहुंच गए रास्ते में और ये बेचारे यहीं पे गिर गए। तो हमारा ये सोचना है कि बच्चे को यहाँ पे लेके जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे लेके जाए, यहाँ भीड़ पे नहीं छोड़े। हम वो भी चुनते हैं जो इजी वे में पहुंच जाए, जैसे कि हमने आपको 20 डे 21 डेज से 23 डेज की क्लास लगाई है। अब हम भी ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे हमारे पास आएंगे 15-16 अप्रैल को, कोई दिक्कत नहीं आ जाने दो, हमारा क्या जा रहा है इन दिनों को बेकार होते हैं, वो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा हमारा, लेकिन वो आपको दिक्कत कर जाएगा। कैसे? ये जो 21 से 23 लेके दिन है वो डिसाइड करेंगे सिलेक्शन और ड्रॉप दोनों चीज। सिलेक्शन होगा गारंटी है, यहाँ ये जो बच्चे पढ़ेंगे मैक्सिमम बच्चे ये पास होंगे, ना कि वो जो इस तारीख को जाएंगे, इस तारीख को जाने वाले बच्चे कम से कम 10 दिन तो वैसे ही खा जाएंगे सेट होने में, लेकिन ये वाले बच्चे जो यहाँ पे पढ़ के आएंगे उनको सेट होने में 1 दिन भी नहीं लगेगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर क्लास ले रहे हैं इन चीजों की, वो एक क्लास में पकड़ सकते हैं कि हाँ हमको क्या दिया जा रहा है इसके अंदर। इसलिए
अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, और जब तक हमारा इस चीज के लिए मैसेज नहीं आ जाए आपके पास कि अब आपकी क्लास स्टार्ट होने जाएगी जाएगी हमारी ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में, तब तक आप यहीं पे बने रहोगे। और यदि आपको कुछ भी चीज नहीं आती है, कमेंट बॉक्स है, आपके पास मोबाइल नंबर है, आप उन पे सीधा कॉल करो। आप किस तरह, ये दिक्कत आ रही है हमको, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं गारंटी आपसे ले रहा हूं, 25 क्वेश्चनों में से कम 24 क्वेश्चन आपको मैं एक्यूरेट मिला के दे दूंगा, बिल्कुल एज इट इज। केवल डेटा चेंज होगा, लैंग्वेज वही होगी जो बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक्यूरेट यो की यो मिला के दूंगा आपको मैं। कैपेसिटी आप में होनी चाहिए उस चीज के लिए। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं और वो लेवल लेके जाऊंगा जो हकीकत में आपको एग्जाम पेपर में मिलेगा। केवल आज की क्लास बेसिक है, कल से मैं आपको टाइप पढ़ाते चलूंगा, क्वेश्चन बताते चलूंगा कि देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ टाइप, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं वो मैं वहां पे सॉल्व करा देता हूँ। इसलिए आप में क्या है वो क्षमता ऑटोमेटिक पैदा होती है कि हाँ अब हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। वो काम हम करते हैं यहाँ पे, मेरा ही नहीं है, सब टीचर भी यही करते हैं कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा दिया उसके बाद उनके क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, उसमें ऑटोमेटिक आपको डेवलप होता है दिमाग कि हाँ कि सर यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा। हम उसी प्रकार से पढ़ाते हैं, आप पढ़ते चलिए और मैं आपकी 2 मिनट क्लास लूंगा इस चीज के लिए, फिर आप अपन नेक्स्ट डे उसको रन कराएंगे। आपको मैं केवल याद करने के लिए सप्लीमेंट्री मेथड देता हूँ, सप्लीमेंट्री मेथड छोटा सा है, कोई याद करना नहीं है उसमें भी, अगर बच्चों को याद होता है वो तो नॉर्मल। एक तो दूंगा मैं आपको वर्ग और एक दूंगा घन। देखो एक तो होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल, अंतर याद होना चाहिए आपको। एक होता है घन और एक होता है घनमूल, अलग अलग लैंग्वेज है, ध्यान रखना इस चीज का। वर्ग होता है जिसकी घात 2 होती है उसे वर्ग बोलते हैं, घन होता है जिसकी घात कितनी होती है 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। आपको केवल 1 से लेके 10 तक के वर्ग याद करने हैं आज की क्लास में, 1 से लेके 5 तक के क्यूब या फिर घन याद कर रहे हैं आज की क्लास में। लिख दे रहा हूं मैं, 1 का जो स्क्वायर, देखो स्क्वायर मतलब क्या, 2 को 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार, 1 × 1 = 2। 2 का स्क्वायर की बात करता हूं तो 2 = 2, 2 × 2, 2×2 = 4। 3 का स्क्वायर होता है जो 3 × 3 = 9। 4 का जो स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16। 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25। 6 का जो स्क्वायर होता है 6 × 6 = 36। 7 का जो स्क्वायर होता है 7 × 7 = 49। 8 का जो स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64। 9 का जो स्क्वायर होता है 9 × 9 = 81। और 10 का जो स्क्वायर होता है 10 × 10 = 100। सभी बच्चों को आता है लेकिन याद करना जरूरी है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 1 × 1 × 1, 1 × 1 = 1, कितना आ गया 1। 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, कितना, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 27। 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64। और 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5 = 125। तो देखिए ये चीज आपको याद है लेकिन फिर भी आपको लिख लेनी है एक पन्ने पे पीछे जाके। सप्लीमेंट्री जो मैटर मैं आपको दूंगा वो आपको याद होना चाहिए, इसका यूटिलाइज होगा, इस बात का ध्यान रखना, इसका उपयोग होगा जब मैं आपसे कहूंगा वो चीज वहां पे आपके लिखी हुई है, वहां से आप इस चीज को आप देख लेना। तो ये मैं बोल रहा हूं आपसे कि देखो है कुछ भी नहीं है, ये आपको याद है लेकिन फिर भी लिखना आपके लिए अनिवार्य है।
मैंने कहा था मैं जीरो से पढ़ाता हूँ, ये जीरो ही है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, ये जीरो ही है, कुछ नहीं है, ये जीरो ही है। अब जीरो से लेके मैं हाई लेके जाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे बनता है। 107 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 7 × 7 = 4। ये देखो 107 का स्क्वायर, 7 × 7 = 14, आंसर कितना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 57 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, तो 7 × 7 = 49, ठीक है, 25 और 7 कितने होते हैं, 32, आंसर कितना होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कब, पहले छोटी चीजें उसके बाद बड़ी चीजें, पहले जीरो फिर धीरे 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 ऊपर, वो काम करेंगे। पहले जो सिखा रहा हूं उसको सीखो, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं। जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो उन बच्चों को मैं डरने नहीं दूंगा, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहना, कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये एक बात फिक्स कर लेना, इस बार हमारे इंस्टीट्यूट से टॉप 5, इतना बड़ा 5 बना रहा हूं, टॉप 5 के अंदर बच्चे आने वाले हैं पूरे भारत के अंदर, BHU के अंदर। आपके पास भी मौका है, आप इसके अंदर आ सकते हो। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो साल भर पढ़ाता हूं बच्चों को, हो सकता है थोड़ा क्वेश्चनों का सेम क्वेश्चन है वो उठा के मैं आपको उसकी जगह, जैसे 5 क्वेश्चन में सेम पढ़ाता हूं उसकी जगह 2 क्वेश्चन सेम पढ़ा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा जरूर आपको। यहां से रैंक आएगी गारंटी के साथ, मैं आपको दावा कर रहा हूं। हमारी फैकल्टी वेल अपडेट है सब चीज के लिए, आपका सहयोग चाहिए और आप पढ़ते रहिए निरंतर, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, लगातार पढ़ते रहिए। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, नहीं है तो लिख लीजिए 8112231057। इस पे आप नंबर कॉल करके कभी भी अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हो, यदि मेरे पढ़ाई हुए में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, एनी टाइम कभी भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और ज्यादा मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, मैंने नॉर्मल सा ABCD सिखाई है, उसका उल्टा क्रम सिखाया है और ये चीज सिखाई है, पढ़ाना भी जरूरी है पहली क्लास में, समझाना भी जरूरी है। कल से अपन स्टडी करेंगे, समझाना आज की क्लास में खत्म। ये मैंने सब चीजें बता दी हैं, सर ने भी आपको सब चीज बता दी। पहली बात बता दूं मैं, हम जो पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर में कहीं भी कोई कमेंट नहीं है, आपको डिट्टो कॉपी यो की यो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कहीं भी सोचने की बात नहीं है, बस भ्रमित मत होना इस चीज के लिए। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो वेल अपडेट फैकल्टी है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रहा मैं आपके सामने हूं, और धीरे 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 अपना इंट्रोडक्शन और बढ़ेगा और अपन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। पहले मेरा काम है आपका जो फाउंडेशन है उसको अच्छा करना, बेसिक जो कमजोरी है उनको अच्छी करना, ये कमजोरियां ही है आपकी, ये आपकी कमजोरियां ही है। मैं आपसे 11 का क्यों पूछ लू, 13 से 31 होता है, नहीं आता आपको, 12 का पूछू कितना होता है, नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि आपकी कमजोरी है कहां पे, यहाँ पे आपकी कमजोरी है, मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं आता। मैं आपको इजी वे में सही ढंग से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा, एक चुटकियों में आंसर आ जाता है। मेरा मास्टर्स मैथमेटिक्स से है, MSc बीएड, और मैं ही आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाऊंगा। ये हमारी आपके लिए एक डेमो क्लास मान लो, या फिर आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, इतना बड़ा डेमो नहीं होता है, आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कोई दिक्कत आए आप नौ फोन करो, कमेंट करके पूछ लो, कैसे भी पूछ सकते हो आप, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, इसके साथ साथ सभी टीचर आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, जितनी हो सकेगी उतना आपको बेटर देने की हम कोशिश आपके घर बैठे करेंगे। आप सभी दोस्त हैं अपने, उनसे बोलो कि ये जो क्लासेस हैं अटेंड कीजिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक अगर आप किसी दोस्त से बोलते हो, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है आपके साथ साथ,
तो वो आपको उस दिन बहुत बड़ा धन्यवाद बोल के जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप भी पढ़िए, अपने जो सहपाठी है उनको भी आप शेयर कीजिए, इस चीज से बताइए कि हमारी ऑनलाइन क्लासे चल रही हैं, आप उसका यूज ले सकते हो। बाकी आप कोचिंगों पर तो जाओगे, ये बेस्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पे सीखने की चीज मिल रही है, और रियलिटी में जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वही आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। तो आपके बहुत बहुत अच्छा है कि आपको कम से कम 21-22 दिन का सिलेबस यहाँ पे मिल रहा है। बाकी बचा, हाँ, ये सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। आपको ये नहीं है कि सर यहाँ पे जो पढ़ा दिया वो हमको क्लासरूम में पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, वहां भी पढ़ाया जाएगा, इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं करने की है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे उसके बाद वहां पे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो काम नहीं करेंगे, वहां भी आपकी क्लास रेगुलर इन चीजों को बताया जाएगा। लेकिन दो बार पढ़ने के बाद बच्चे का 100% क्लियर हो जाता है। एक बार यदि बच्चा पढ़ता है तो शायद हो सकता है लापरवाही कर जाए, दो बार पढ़ने के बाद लापरवाही नहीं करेगा, ये हमारा पर्सनल मानना है इस चीज के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी कीजिए और कहीं भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हो। थैंक यू।